देखिए, अनुपमा में अनुज की लाइफ में कुछ कम ट्रेजेडी हो रही थी। एक तो अनुपमा को खोने का दुख, ऊपर से अब आद्या भी उसकी लाइफ से चली गई। जी हाँ, सीरियल में आद्या नहीं रही, लेकिन चिंता मत कीजिए, अनुपमा के होते हुए उसकी अनुज ज्यादा देर तक दुखी रहे ये तो हो नहीं सकता ना। वही अनुज है जो कल तक एक पावरफुल बिजनेसमैन था। उसके अंदाज पर ये लड़कियां जान छिड़कती थी। लेकिन आज उसी अनुज से उसका सब कुछ छिन गया है। अनुपमा उसकी यादों में धुंधला गई है। तो वही ही पाखी, जिसे वो अपनी बेटी मानता था, उसकी नजरों में अब वो भगवान के पास पहुंच गई है। पाखी अनुज की जिंदगी से गई तो अनुज की हालत देखिए कैसी हो गई है। उसे किसी भी बात की सुध-बुध नहीं है। अनुज का ये हाल, आध्या उससे दूर हो गई है इसीलिए हुआ है, प्यार उसे मिला नहीं। अनुज के पास जो प्रॉपर्टी थी वो उसके अपने भाई और भाभी ने ले ली। उसकी झोली में अब कुछ नहीं बचा है। अनुज की ऐसी हालत अनुपमा देख नहीं पा रही है। वो जानती है कि अगर अनुज की खुशियों को वापस लाना है तो आध्या को ढूंढना होगा। एक बाप अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, और यही हमारा जो अभी पोस्ट लीव का मुद्दा है कि एक अनुज कपाड़िया जैसा इंसान, जिसको दुनिया ने, भगवान ने सब कुछ दिया, जब उसकी ज़िंदगी से कुछ ऐसा चला जाता है और उस वो चीज़ जो जाती है वो उसकी वजह से जाती है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा मानता है, तो फिर उस इंसान का क्या होता है। उसका एक तरीका था हमारा पोर्ट्रे करने का कि व्हेन अ मैन हैज़ लॉस्ट इट्स ऑल, मतलब उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। है वैसे आपको बता दें कि अनुपमा की नज़र आध्या पर पड़ी है और अपने अनुज के लिए वो आध्या को ढूंढ कर लाएगी। हमने तो सुना है कि आध्या किसी और के पास नहीं है बल्कि बरखा के पास है। अब बरखा का ही तो सारा खेल है, तो क्या आध्या को उसने किडनैप कर रखा है या फिर आध्या अपनी मर्जी से बरखा के साथ है? क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, इन सब का पता अनुपमा लगाएगी, क्योंकि बात यहाँ पर अनुज की खुशियों की है। उन खुशियों को अपने अनुज के लिए हासिल कर कर ही रहेगी। चली जाओ, आध्या की जान हमने ली है, हमारे स्वार्थ की वजह से हमारी बेटी चली गई। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।